निशान के साथ उन्होंने ध्यान का लाभ उठाने तैयार के लिए ध्यान से प्रयास बोल दिया परिवार जैसे कि हटे के माता तो आपको बता दें तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदर राजन आज शपथ दिलाएगी, नई सरकार को शपथ दिलाएंगी। वो यहाँ पर पहुँच चुकी है, इस कार्यक्रम में रेवंत रेड्डी मंच से संबोधन दे रहे हैं। तो आज से तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार होगी और तेलंगाना में नया सूर्य उदय हुआ है, नई सरकार आज से काम करना शुरू करेगी। रेवंत रेड्डी उस सरकार के मुखिया होंगे और अभी वो जनता को संबोधित कर रहे हैं और जनता से वो तमाम वादे जो रेवंत रेड्डी अने नेनु తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన तो आज से तेलंगाना में रेवंत रेड्डी का राज होगा, मुख्यमंत्री के रूप में वो मौजूद होंगे। राज्यपाल पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर बाद अब शपथ दिलानी यहां पर शुरू की जाएगी। तो गांधी परिवार इस समय इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और एक खासा उत्साह और एकजुटता दिखाने का यहाँ पर प्रयास भी किया गया है, क्योंकि वो तमाम नेता जो कांग्रेस शासित राज्यों के हैं वो तमाम बड़े नेता इस कार्यक्रम में शिरकत करने यहाँ पहुँचे हैं, जिसमें बड़ा नाम डीके शिवकुमार का है जो कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस कार्यक्रम में पहुँचे हुए हैं। शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें रेवंत रेड्डी जनता को संबोधित कर रहे थे और अब गवर्नर के पास फिर वो आ चुके हैं और गवर्नर बुके देकर उनका स्वागत करती हुई, तो शपथ ले चुके हैं रेवंत रेड्डी और मुखिया के रूप में आज तेलंगाना को नया सीएम मिला है रेवंत रेड्डी के रूप में। स्वागत सत्कार इस समय गवर्नर का, तो आज से नई सरकार का गठन और नए सिरे से अब राज्य को किस तरह से चलाया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा, उसकी तैयारियां आज से शुरू हो जाएगी। फिलहाल ये समारोह आप देख रहे हैं एलबी स्टेडियम में ये आयोजित किया गया है, जहां पर पूरा गांधी परिवार मौजूद है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं और मौजूद हैं वो तमाम नेता, बड़े नेता जो कि कांग्रेस शासित प्रदेशों से यहाँ पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने यहाँ पर पहुँचे हैं। तेलंगाना को आज नई सरकार मिल गई है और अब एक के बाद एक शपथ गवर्नर यहाँ पर तमाम नेताओं को जो मंत्री पद पर आसीन होंगे उनको शपथ दिलाई जाएगी और शपथ का कार्यक्रम इस समय चल रहा है। रेवंत रेड्डी जो कि इस सरकार के मुखिया होंगे और उनके कौन कौन मंत्री होंगे उन सभी को यहाँ पर शपथ दिलाई जा रही है गवर्नर के द्वारा। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं हैदराबाद से, जहाँ पर एलबी स्टेडियम में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और बड़ी संख्या में जनसमूह यहाँ पर पहुँचा हुआ है और पहुँचे हुए हैं वो तमाम नेता कांग्रेस सरकार के, खास तौर पर जो कांग्रेस शासित राज्यों से यहाँ पर आए हैं शिरकत करने पहुँचे हैं। बड़ा नाम डीके शिवकुमार का है जो कि यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो शपथ ग्रहण इस समय चल रहा है, मंत्री तमाम शपथ ले रहे हैं और जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो संबोधित करते हुए रेवंत रेड्डी ने जनता से मैनिफेस्टो के तमाम वादे जो उन्होंने जनता से किए थे उन्हें पूरा करने की बात कही और उसके बाद शपथ ली। तो रेवंत रेड्डी ने आज सीएम पद की शपथ ले ली है, उसके बाद तमाम मंत्री जो उनकी
कैबिनेट में होंगे, वो अब शपथ ले रहे हैं, गवर्नर उन्हें शपथ दिला रही हैं और भव्य कार्यक्रम हैदराबाद के इस एलबी स्टेडियम में आयोजित किया गया है। फिलहाल आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं हैदराबाद से सीधा लाइव, जहां नई सरकार आज तेलंगाना को यहां से मिलने वाली है और रेवंत रेड्डी जो कि यहां के सीएम बनने वाले हैं, उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग होंगे, वो तमाम मंत्री इस समय शपथ ले रहे हैं, गवर्नर उन्हें शपथ दिला रही है और आज से नया राज तेलंगाना में शुरू होगा और इस राज के मुखिया होंगे रेवंत रेड्डी। तो एक दूसरे को बधाई देते हुए रेवंत रेड्डी और सरकार बनाना एक बड़ी लड़ाई होती है,